अज आप गल करांगे पंजाब विच आउण वाले प्रवासी लोकां दी। अक्सर दूसरे राज्यां तों लोक इत्थे आ के रहिंदे ने, काम करदे ने अते मकान किराए ते लैंदे ने, जो कि पंजाब विच आंदे ने दूसरे राज्यां तों। एक बहुत खास गल ए है कि ओह अपनी जिहड़ी पुख्ता जानकारी है ओह दिंदे ही नहीं, लुको लैंदे ने मकान मालक नूं जां जिथे ओह काम करदे ने उत्थे उहनां दे कोल प्रवासियां दी कोई पुख्ता जानकारी नहीं हुंदी। आपां बहुत वार देखिया कि जदों ओह जुर्म करके अपने राज च चले जांदे ने तां पुलिस नूं बड़ी मुश्किल हुंदी है उहनां नूं लब्भण विच। इस लई पुलिस ने एक मुहिम शुरू कीती है कि जिहड़े प्रवासी पंजाब च आ के रहिंदे ने, काम करदे ने, किराया ते रहिंदे ने, हुण पुलिस उहनां दी पूरी पुख्ता जानकारी अपने कोल रखेगी। देखदे हां इह रिपोर्ट। इंस्पैक्टर परमजीत कौर, इंचार्ज जिला सांझ केंद्र कपूरथला, मानयोग SSP साहब, मैडम श्रीमती कवरदीप कौर IPS जी दे दिशा निर्देशों अनुसार SP हैडक्वार्टर कम DCP साहब की रहनुमाई हेठ जिला सांझ केंद्र कपूरथला वालों शहर के वख-वख हिस्सों में स्पैशल कैंप नौकरा अते किराएदारा की वेरीफिकेशन संबंधी लगाए गए हैं। ये कैंप का मकसद ये है कि ताकि जो लोग किराएदार रहिंदे आ उन्हां विच कोई गलत परसन जिहड़ा कोई क्राइम करके इधर उधर चले जाता है तो वो बारे सानू पता नहीं लगता, तो जो इन की रजिस्ट्रेशन असी की होगी, वेरीफिकेशन की होगी, तो इस क्राइम नू घट करन विच सानू बहुत हैल्प करूगा। मैं अपने शहर निवासियों नू यह अपील करती हाँ कि यह कैंप जिहड़े मानयोग SSP साहब वालों लगाए गए आ उन्हां दा पुरजोर लाभ उठाउण ताकि उन्हां नू क्राइम की जिहड़ी आ घट करन च इन्हां नू हैल्प हो सके। ये जड़ा वा CPRC वालों कैंप लगाया गया वा, ये वार्ड नंबर 3 ते 4 के लाया गया वा, ये बहुत वधिया उपराला वा पुलिस का, जिदे नाल पुलिस ते पुलिस प्रशासन ते DC वालों बहुत वधिया उपराला वा। इहदे नाल जिहड़ा वा क्राइम नूं ठल पाऊगी, क्योंकि जिहड़े कई क्रिमिनल बंदे आ दूसरे थां ते रहिंदे आ, उधरों आण के किराएदार इत्थे रहिंदे आ, वो जदों उत्थे कोई क्राइम कर रहिंदे इत्थे आण के रहिंदे सानूं पता नहीं हुंदा। इहदे नाल जिहड़ी उहनां दी वेरीफिकेशन हो जूगी, तो वेरीफिकेशन हो गया जिहड़ा उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई बंदा हो तो पता रहूगा सानू क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, ये जिहड़ा वा गांह भी क्राइम रुकूगा। तो सानू ये बहुत वधिया पुलिस का भी उपराला वा, पुलिस नूं अं पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस भी तो अं प्रबंधकी इदारे नूं पूरा ही सपोर्ट कर रहे हैं। इहो जिहे उपराले होर भी गांह तों भी वध तों वध होने चाहिए, ये बहुत वधिया गल है, अं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अं पब्लिक नूं भी ये कहने कि जिन्हें भी किराएदार अपने रखे हुए ज किराएदार है वह भी अपनी आ के रजिस्ट्रेशन करवा कि जरा वा वधिया तरीके जरा वा काम चल सके, तो जरा गांह क्राइम नूं ठल पाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुहाडा भी प्रेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा ये करके रिकॉर्डिंग करके अगर लोगों तक पहुँचा वा, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो पुलिस उपराले भी SSP कपूरथला का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा इहो जिहे वधिया काम कर रहे हैं। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फी रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियाँ तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील